नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल सुरेश चंद्र ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज आपको लिए चलता हूँ श्री ताड़केश्वर धाम। दोस्तों, कोटद्वार से ताड़केश्वर धाम की दूरी तकरीबन 70 किलोमीटर है और ये दिल्ली से बहुत ही नज़दीक बहुत सुंदर पर्यटक स्थल है। दोस्तों, दिल्ली से कोटद्वार लगभग 225 किलोमीटर है। आप ट्रेन और बस से यहाँ आ सकते हैं। दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं कोटद्वार। दोस्तों, ताड़केश्वर धाम आप टैक्सी से, जेमू बस से और रोडवेज से भी आप सफ़र कर सकते हो। अपनी गाड़ी है तो वो बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों, मैं आपको लिए चलता हूँ ताड़केश्वर धाम की ओर। दोस्तों, देखिए क्या सुंदर जगह है। आप कोटद्वार से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना अच्छा होगा। चलो दोस्तों, निकलते हैं हम ताड़केश्वर धाम की ओर। दोस्तों, ये चूना धारा है। यहाँ पर प्राकृतिक स्वच्छ स्रोत का पानी है जिसे पर्यटक खूब उसका आनंद लेते हैं। दोस्तों, हम दुगड्डा मार्केट पहुँच चुके हैं। ये कभी पूरे गढ़वाल की मंडी हुआ करती थी, आज वो मंडी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। पर फिर भी दुगड्डा एक ऐसा शहर है। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं फतेहपुर और यहां से हमें राइट टर्न करना है। अगर हम लेफ्ट टर्न करेंगे तो कुमखाल सतपुली पहुंच जाएंगे। आप देख रहे हैं दोस्तों, ये तमाम होटल यहां पर हैं और देखिए कितने बढ़िया कॉटेज बने हुए हैं। दोस्तों, यहां स्विमिंग पूल की भी व्यवस्था है। दोस्तों, आप यहाँ रुक सकते हैं। आप इन सुंदर वादियों का, यहाँ पर प्राकृतिक का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल के माध्यम से। दोस्तों, ये देखिए क्या खूबसूरत होटल बने हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं एक नहीं अनेक होटल हैं। इस रोड पर जितने भी होटल हैं, मैं टोटल तो आपको दिखा नहीं पाऊँगा और जितना दिखा रहा हूँ उससे भी ज़्यादा है। दोस्तों, हम डेरिया खाल पहुँच चुके हैं। यहाँ से भी हमको राइट टर्न होना है, लेफ्ट नहीं जाना। लेफ्ट जाएंगे तो हम लेंस डाउन पहुँच जाएंगे। दोस्तों, अब हम देखिए ताड़केश्वर धाम के लिए निकल चुके हैं। देखो क्या सुंदर रास्ता है, क्या प्राकृतिक छटा है। दोस्तों, देखने से ही बनता है। दोस्तों, एक छोटा सा मार्केट चुनई है, ये यहाँ के आसपास के गांव का एक छोटा मार्केट है। दोस्तों, अब हम पहुँच चुके चमेटा। यहाँ से भी हमें राइट चलना है, लेफ्ट चलेंगे तो सतपुली पहुँच जाएंगे। देखिए दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं सिसलडी मार्केट। देखिए दोस्तों, ये सिसलडी मार्केट है और यहाँ पर बहुत सुंदर ये काला जी का जो ये होटल भी है और ये यहाँ पर तमाम तरह के उत्तराखंड के फलों का जूस बनाते हैं। देख सकते हैं आप, ये बाहर रखे हुए, देखिए पूरी बोतलें भर भर के ये खुद बनाते हैं और यहाँ से बेचते भी हैं। देखिए दोस्तों, क्या बढ़िया होटल है, ये देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से आप ब्रास का और संतरे का, मौसमी का जूस ले जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्या वादियाँ हैं, देखने से ही बनती है। देखिए दोस्तों, हम बिल्कुल चोटी पर हैं, आप समझ सकते हैं हम बिल्कुल चोटी पे हैं। दोस्तों, हम लोग बिल्कुल पहुंच चुके हैं अदारिया खाल। यहाँ से दोस्तों हमको लेफ्ट टर्न होना है मंदिर के लिए और सीधा जाएंगे तो हम रिखणी खाल पहुँच जाएंगे। दोस्तों, यहाँ से 5 किलोमीटर है श्री ताड़केश्वर धाम। और चलो, एक छोटा सा मार्केट आगे और पड़ेगा, मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। दोस्तों, आप देखिए क्या सुंदर वादियाँ हैं। दोस्तों, बिल्कुल टॉप में है ये जगह और देखिए क्या सुंदर वादियाँ हैं। दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं गुंडरखेत। गुंडरखेत बोलते हैं दोस्तों इसको। और ये बहुत अच्छा छोटा सा मार्केट है यहाँ के स्थानीय आसपास के लोगों के लिए। दोस्तों, यहाँ से मंदिर के लिए काफ़ी भंडारा प्रसाद, भंडारे का सामान मिलता है। देखिए दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं फाइनली
यहाँ प्रसाद की दुकान लगी है और यहाँ फास्ट फूड भी है। दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये व्यू मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ बांज बुरांस के पेड़ हैं जो कि मंदिर में आज आपको कुछ अलग ही दिखेगा। ये दिखेंगे केवल और केवल देवदार के वृक्ष। ये एक आप कुछ भी समझ सकते हैं, ये अद्भुत चीज़ है क्योंकि ये अगल बगल कहीं नहीं है, केवल मंदिर प्रांगण में है। आइए दोस्तों चलते हैं, जय श्री ताड़केश्वर धाम की। हम पहुंच चुके हैं दोस्तों मुख्य गेट पर, जय श्री ताड़केश्वर धाम। अब दोस्तों अंदर चलते हैं। देखो दोस्तों पर्यटक लगे हुए हैं, जबकि आज मैं ऐसे समय पाया जब कुछ नहीं। दोस्तों यहाँ पर एक आश्रम है, जो आश्रम का रास्ता ये बता रखा है और नीचे मंदिर का ये एरो दे रखा है, आपने देख ही लिया होगा। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर कुछ कुंड है, जो कुंड जिन कुंडों में हमेशा पानी रहता है। दोस्तों यहाँ धर्मशाला भी है। दोस्तों आपको ले चलता हूँ, यहाँ देखिए दोस्तों ये पवित्र कुंड है जिसका जीर्णोद्धार यहाँ की प्रमुख साहिबा ने कराया। और देखिए दोस्तों ये कुंड, इस कुंड में हमेशा पानी रहता है, कभी पानी सूखता नहीं है। देखिए दोस्तों ये किचन का एरिया है, ये किसी महानुभाव ने ये सप्रेम भेंट किया है, प्रेम सिंह ने ही, करनाल से सेवानिवृत्त है ये लोग, इनको भगवान की बड़ी कृपा है इन पे। देखिए दोस्तों ये कुंड है, इस कुंड को आप, इस कुंड का पानी ही श्री ताड़केश्वर महादेव में चढ़ता है। देखो आप कितने सिक्के इसमें पड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ी आस्था का प्रतीक है। दोस्तों बहुत सुंदर ये जगह है, आप आइए, ये ताड़केश्वर धाम को ये जल चढ़ता है। ये स्नान करने के लिए ये भी कुंड एक बनाया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर ये कुंड है, ये बिल्कुल चोटी में और कुंड है, ये भरे रहते हैं, प्राकृतिक स्रोत है ये, इनमें हमेशा पानी हमेशा रहता है। ये देखिए दोस्तों क्या सुंदर है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि देवदार ही देवदार है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मुख्य मंदिर के गेट पर और अब हम आपको दर्शन कराते हैं। देखिए दोस्तों ये तमाम घंटियां जो आपको दिख रही हैं, ये भक्तों की मनोकामना पूर्ण होने पर चढ़ाई जाती है। और दोस्तों जय श्री ताड़केश्वर धाम की जय, हर हर महादेव। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं धाम में और देखिए ये कितनी सुंदर घंटी है। देखिए दोस्तों आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखो आपको यहाँ टोटल यही पेड़ मिलेंगे। मैंने आपको ये इसलिए दिखाया है क्योंकि यहाँ बांज ब्रांच नहीं है। दोस्तों ये मंदिर प्रांगण में है। दोस्तों आप लोगों को बता दें आपकी जानकारी के लिए कि यहाँ पर देखिए ये त्रिशूल रूपी वृक्ष है। दोस्तों ये त्रिशूल रूपी वृक्ष, इस मंदिर में आने के चार रास्ते हैं और चारों रास्तों पर त्रिशूल रूपी वृक्ष है और ये बिल्कुल मंदिर में भी त्रिशूल रूपी वृक्ष है। ये महादेव की बड़ी महानता है। देखिए दोस्तों आपको लिए चलते हैं। देखिए दोस्तों ये ताड़केश्वर टेम्पल उत्तराखंड टूरिज्म में भी सम्मिलित है। दोस्तों आप इसे उत्तराखंड टूरिज्म की वेबसाइट से भी देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ हवन चल रहा है, अंदर मैं आपको क्लियर नहीं दिखा पा रहा हूँ, पर लोग बैठे हैं, पूजा अर्चना चल रही है। यह हवन कुंड है दोस्तों और अब आपको दिखाएंगे श्री नंदी महाराज के दर्शन कराते हैं। जय श्री महादेव। देखिए दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मंदिर में और हम मैं सर्वप्रथम पहले आपको दर्शन कराता हूं। हर हर महादेव, जय ताड़केश्वर धाम। ताड़केश्वर धाम पूरे जगत की रक्षा करे प्रभु। दोस्तों यहां पर हमारे यहां की एक मान्यता है उत्तराखंड में कि जब नई नई बहू घर पे आती है तो या बेटी की शादी होती है तो मानते हैं कि अपने कुल देवता के यहाँ दर्शन के लिए जरूर आते हैं। देखिए दोस्तों ये लोग भी आए हुए हैं।
आपकी जगह बैठे छो जलेता बैठे जलेता जलेता बहुत अच्छा शादी के बाद आप अच्छा बहुत बढ़िया ये हम लोगों पहले रीति चले की शादी के बाद हम मंदिर आए चलो बहुत 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 शुभकामनाएं आप लोग तो नवविवाहित जोड़ा यहाँ पर मंदिर में जैसी शादी होती है हमारे गढ़वाल की परंपरा है कि शादी होती है तो अपने इष्ट देव के यहाँ अपने शादी है तो मतलब सुखद जीवन है तो मंगल कामनाएं के लिए आते हैं। आपका नाम आप नाम बताइए सर राज आपका नाम अच्छा थैंक यू धन्यवाद आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों यहाँ की मान्यता है कि भगवान शिव के अंश यहाँ पर एक संत रहा करते थे जो भभूति लगाकर अपने शरीर में और शिव जी के जैसे शिव की आराधना करते थे। दोस्तों वो स्वयंभू थे। दोस्तों उनका नाम ताड़केश्वर इसलिए पड़ा कि वो हमेशा कोई अत्याचार किसी पर कर रहा हो चाहे जानवर हो चाहे पेड़ हो किसी भी चीज़ पर अगर अत्याचार हो रहे हो रहा हो तो दोस्तों वो हमेशा ताड़ते थे। ताड़ने का अर्थ होता है डांटना फटकारना इसलिए वो महादेव के तो अंश थे ही इसलिए ताड़केश्वर के नाम से जाने गए। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये तमाम घंटियाँ जो यहाँ पर बंधी हैं आप देखिए ये इतनी घंटियाँ हैं कि दोस्तों गिनना बहुत मुश्किल है। ये यहाँ पर लोग आते हैं और मनोकामना मांगते हैं तब उनकी मनोकामना पूर्ण होती है तो वो ये घंटियाँ चढ़ाते हैं। दोस्तों इतनी घंटियाँ हैं कि कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। मैं आपको थोड़ा सा ही बता रहा हूँ क्योंकि पूरा घूमने में मैं घूमूंगा तो बहुत सारा वक्त लग जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत लंबी लाइन है ये और दोस्तों दोनों तरफ लगी हुई है घंटियाँ आप देख सकते हैं। ये दोस्तों जो मैं त्रिशूल रूपी वृक्ष बता रहा था आप सामने देख सकते हैं ऊपर देखिए दोस्तों ये त्रिशूल बना हुआ है आप देख सकते हैं। दोस्तों ये देवदार के वृक्षों की हाइट अगर आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। देखिए दोस्तों बाप रे लगभग 150 फीट का ये पेड़ है आप देख सकते हैं स्ट्रेट पेड़ है। नमस्कार माता जी आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ अच्छा यहीं के रहने वाले डुंडेक गाँव अच्छा टाटा मंडी के बात अच्छा बहुत अच्छा आप लोग मंदिर में आए हो और मुझे लगता है आज आप अपनी बेटी को लेके आए शायद बेटी छोटी हाँ तो दर्शन कराने आए हो चलो आपके हर मंगल कामना पूर्ण हो। थैंक यू। जैसा कि दोस्तों मैंने जिक्र किया था कि ताड़केश्वर धाम में चार रास्तों में चार त्रिशूल नुमा वृक्ष हैं आप देख सकते हैं ये भी त्रिशूल रूपी वृक्ष है और दोस्तों चारों रास्तों पे मैं जा नहीं सकता और अब आपको खिलाता हूँ उत्तराखंड के जो मशहूर फल है काफल और इसका आनंद लीजिए। दोस्तों यहाँ पर ये धर्मशाला है यहाँ पर रुकने की उचित व्यवस्था है पूजा पाठ ध्यान के लिए जो लोग आते हैं उन्हीं के लिए यहाँ पर व्यवस्था है पिकनिक वालों के लिए यहाँ पर किसी तरह का व्यवस्था नहीं है अलाउड नहीं है। दोस्तों मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ बद्री गाय ये उत्तराखंड की मशहूर गाय है। दोस्तों ये दूध भी 1.5 से 2 लीटर देती है हाइस्ट और इनका दूध बहुत ताकतवर होता है। दोस्तों ये गाय जड़ी बूटियाँ चुग कर आती हैं इसलिए इनका दूध बहुत ही ताकतवर होता है। दोस्तों समय हो चुका है अपने वीडियो को यहीं पर विराम देने का। दोस्तों ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय जय भारत जय हिंद।